अलैकुम। आज हम आपके साथ तंदूरी चिकन अफ़गानी की रेसिपी शेयर करेंगे। चिकन अफ़गानी एक ऐसी रेसिपी है जो ऐसा कोई नहीं है जिसे ये पसंद नहीं आती और सभी की बहुत फेवरेट होती है घर और घर में सभी की फेवरेट इस रेसिपी को हम विदाउट ओवन और बारबेक्यू हम बड़े ही आसानी से परफेक्टली इसे बना सकते हैं। बहुत बनाना इसको आसान होता है और चीज़ें ग्रेवी के मुकाबले थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें कम डालनी होती है क्योंकि ग्रेवी है तो उसमें तो कोई चीज़ें एक्स्ट्रा भी जाती है नमक मिर्च के अलावा, तो वो ग्रेवी में यूज़ हो जाती है। थोड़ा इसमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी ग्रेवी एक्स्ट्रा ना हो, कुछ चीज़ों को ध्यान रख के हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। कितनी हमारे पास 1 किलो करीब हमने चिकन लिया है, इसके हिसाब से हमने बहुत थोड़ा बड़ा गार्लिक था मैंने इसे देखिए छील के रख लिया है, 8-9 हरी मिर्चें ली हैं और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इन सबको हमें बगैर पानी के पीस लेना है। ऊपर से हम तंदूरी लिए अच्छा सा टेस्ट देने के लिए ऊपर से हम बटर के लिए थोड़ा सा बटर हमें लेना है, 20-25 ग्राम बटर है और एक बड़े नींबू का जूस हमने लिया है। देखिए थोड़ी सी हाफ बाउल हमारे पास दही है, वो भी थोड़ा सा अच्छी से थिक दही लेनी है, पतली वाली दही हो तो ना लें, उसे थोड़ा सा छान के पानी को थोड़ा सा थिक कर लें। और 1/2 टीस्पून हमारे वाइट पेपर है और 1/2 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है। इन चीज़ों को पीसने के साथ हम साथ में पीस लेंगे। ये हमारी फ्रेश क्रीम है, इसे 1 टीस्पून हमारे पास कसूरी मेथी है, देखें ये हमारे पास 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। तो बस इतने ही सामान में ये बहुत टेस्टी सा बनने वाला रेसिपी है। ये चीज़ें हम विदाउट वाटर हमें इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। और हमारा जो चिकन है हम इसमें पहले से सबसे पहले नींबू जूस डाल कर रखते हैं क्योंकि हमें इसे मैरिनेट करना है। तो हम जब तक हम अपनी तैयारी करेंगे ये मैरिनेट होता जाएगा। नींबू और जो पाउडर मसाले हैं हम ये डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं नमक के साथ, ये अच्छे से मैरिनेट होता रहे। ये देखें हमने इसमें मिर्च अदरक और लहसुन को अच्छे से पीसने के बाद इसमें हमने अपनी दोनों पेपर डाल दिया। अब इसके साथ हम ये दही डाल देंगे तो दही के साथ ये और अच्छे से पीस जाएगा और दही भी हमारी थोड़ी सी बीट हो जाएगी। अब देखते हैं ये हमने इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, ये हम सब इसमें डाल देंगे। ये हमारी फ्रेश क्रीम है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, ये भी डाल देंगे। ये सब चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथों से ही कर लेंगे 30 मिनट के लिए, ढक के एक साइड रख देते हैं। देखें हम इसको हम खोल के रख लेते हैं, घंटा मैंने इसे मैरिनेट किया है। आप इसे चाहे तो 2-3 घंटे भी कर सकते हैं, जितना मैरिनेट होता है उतना अच्छा होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अपना कॉर्नफ्लोर ताकि अच्छे से इसके मसाले वगैरह इस पर बाइंड हो, क्योंकि हमें रोस्टेड बनाना है, तंदूरी बनाना है। अब बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है और इसको अच्छे से हम फिर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सर अपने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया है चम्मच से ये पूरे मसाले में अच्छे से। अब देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से लिपटे लिपटे से हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा नीचे देखिए गीला नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारे मसाले में चटपटापन एक नमक मिर्च बराबर होनी चाहिए, बाकी हमारी इसमें दही वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा ना डालें क्योंकि हमें थोड़ा सा तंदूरी बनाना है। अब देखिए हमने एक पैन रखा है और हाई हीट पे से अच्छे से प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, देखिए हमें हल्का सा ही तेल लगाना है। अब हम अपने चिकन को डालना शुरू करते हैं। देखें इतना अच्छा सा गर्म होना चाहिए ताकि इस तरह की आवाज़ें आए और तभी हमारा चिकन अच्छे से मसाले को पकड़ेगा और ज़्यादा पानी भी नहीं छूटेगा। अब हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर देंगे, इसके साइड थोड़ा चेंज करके देखते हैं, मार्क आ गए हो तो हम इसको सारे की साइड चेंज कर देते हैं, सभी का हम देखते हैं चेक करते हैं ताकि ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए और अच्छे से ग्रिल जैसे मार्क आने के बाद हम सभी की साइडों को चेंज कर देंगे। अब इस पर हम जो बचे हुए मसाले हैं वो लगा देंगे ताकि जो मसालों का टेस्ट वगैरह वो वेस्ट ना हो, इसी में हमारे चिकन पे ही इसका टेस्ट बराबर बना रहे। और मीडियम फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए हम लीड लगाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इसे 2 मिनट के लिए ढका था। देखें अब इसका हम एक बार फिर से साइड टर्न करते हैं, सबका साइड हम टर्न करके देखते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छूट रहा है और अब भी इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाएंगे ढककर ताकि हमारा चिकन अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मार्क दोनों साइड से आ गए, हर तरफ से जिधर मार्क नहीं है उधर से हम साइड चेंज करते हैं ताकि हर तरफ से ये पक जाए, मसाले वगैरह जहाँ कच्चे हैं जहाँ चिकन कच्चा है सब अच्छे से पलट देते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 4-5 मिनट से ये पक रहा है एकदम लो फ्लेम पे। एक बार हम इसे फिर से चेक करते हैं, इसमें देखिए हल्का हल्का सा पानी अभी रह रहा है। अब थोड़ा सा हम इसे एक बार फिर से इधर उधर चला लेते हैं, इधर भी हमारे मार्क नहीं पड़े हैं और इधर से भी चिकन थोड़ा सा कच्चा सा दिख रहा है मसाला वगैरह,
एक बार फिर से लीड लगाते हैं 2 मिनट के लिए। इस बार हम लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया, हमने फ्लेम को भी लो कर दिया है। हम थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। देखें, अब हम इसे खुले पॉट में ही 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे, 2 से 4 मिनट जब तक इसमें पानी की आवाज़ें आ रही हैं, इसे कुक कर लेंगे। और इसे हम बस जितनी तेज़ आवाज़ें देखें आप आ रही है, इतनी आवाज़ें जैसे आना बंद हो जाएगी तब तक हम इसे पका लेते हैं खुले पॉट में मीडियम फ्लेम पे। देखिए, हमारा चिकन पूरी तरह से रेडी हो गया है। जो भी हमारा, हमने इसको चेक भी किया है, हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट भी है अंदर तक और एकदम गल भी गया है और एकदम अच्छे से रोस्ट हो गया, पानी से बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी टाइम में हम जो आप बचे हुए बाकी अपने चिकन है वो भी बना लेते हैं। देखिए, हमने दूसरा भी फ्राई कर लिया है और सारे चिकन को मैंने एक ही पॉट में रख लिया है क्योंकि हमें अब स्मोक देना है। एक छोटी सी फॉइल की कटोरी हमने बना ली है, मीडियम साइज की, ढकता हुआ अपना कोयला रखना है इसमें। हम गैस पे अपनी थोड़ी सी कुटी हुई लौंग और इलायची जो कोट बस दो चार ड्राफ्ट हमने इसमें बटर के डालने हैं और लेट लगा देंगे। अच्छे से स्मोक हो गया, जब तक इसका स्मोक हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तब तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं और गैस की फ्लेम अब बंद कर देते हैं। देखिए, ये हमारा स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन। अब हम इसे तो रिमूव कर देते हैं। ये हम प्रोसीजर आपको एक स्टेप और दिखाते हैं। अब देखिए, हमने इसे गैस के चूल्हे पे एक जाली रखी है ओवन की और उसको हल्का सा वो देना है, बहुत कम टाइम के लिए देना है, मुश्किल से 8-10 सेकेंड बस। इसमें थोड़ा बटर लगाएंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और एकदम आपका तंदूरी चिकन ही लगेगा जिसे लगा हमने बारबेक्यू पे इसको बनाया है। बहुत कम देर करना है, बस एक तरफ हल्का सा इस तरह से थोड़ा थोड़ा टर्न करेंगे, एक तरफ 8-10 सेकेंड, एक तरफ 8-10 सेकेंड, और थोड़ा जाली को इधर से उधर घुमा देंगे ताकि अच्छे से सभी चिकन के पीस उस पर ये लग जाए। बस इस तरह से हम बहुत फास्ट करेंगे, ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं होना चाहिए और लो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे, देखिए इस तरह से करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, इधर से उधर थोड़ा घुमा घुमा के कर देंगे। हमारा ये तंदूरी अफ़गानी चिकन बनके तैयार है और आप देख सकते हैं ये कितना इजी भी है और कितना मज़ेदार बना है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा बटर और डाल देंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए और बहुत ही टेस्टी है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जितना हम अपने रेस्टोरेंट वगैरह से पर जाते हैं, वहाँ से गुजरते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है बारबेक्यू वाली, तो इस तरह से खुशबू आ रही है। इस तरह से आप इसको प्याज के लच्छों के साथ, थोड़ी सी अपनी दही चटनी जो होती है घराता चटनी वाला, उसके साथ इसको सर्व कीजिए और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। ट्राई करें इस बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को। और रेसिपी हमारी पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें 1 टाइम और लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।